सभी लोगों का स्वागत है हाईवे ब्लॉक्स पे। तो दोस्तों तो कल तो वही अभी इसी का बीच में है, अभी गाड़ी रुका हुआ है क्योंकि आगे शायद थोड़ा जाम लगा हुआ है इसी के कारण। और तो हम लोग का हमारा गाड़ी का माल का पता चला है तो उड़ीसा जाएंगे, तो फिर सुबह का ब्रेकफास्ट और लंच करने के लिए। तो देख सकते हैं मेरे पीछे ढाबा, तो यही रवि ढाबा है, तो यहीं पर जा रहे हैं अभी, फटाफट जाते हैं, देखते हैं आज का हमारा लंच क्या होता है। ये हमारा आ गया ब्रेकफास्ट और लंच एक साथ, तो देख सकते हैं हमारा आज का ब्रेकफास्ट लंच हो रहा है रोटी तड़का और प्याज। तो फटाफट से अपना सुबह का ये ब्रेकफास्ट और लंच करते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं। सर मैं फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे, चाहे नहीं है तो प्लीज़ जा करके सब्सक्राइब कर लेना मेरे इस हाईवे ब्लॉग्स को। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, आप सभी लोगों का स्वागत है हाईवे ब्लॉग्स पे। तो दोस्तों तो कल रात में ही देखे थे, रात का 3 बजे हमारा गाड़ी था वो खाली हो गया था, तो वही तो अभी हम लोग पहुँचे हैं सुबह में। तो हाट घमरिया और चाईबासा का बीच में जो जंगल पड़ता है उसी जंगल में देख सकते हैं अगल बगल सब जगह पूरा जंगल ही जंगल है। तो वही अभी इसी का बीच में है, अभी गाड़ी रुका हुआ है क्योंकि आगे शायद थोड़ा जाम लगा हुआ है इसी के कारण। और तो हम लोग का हमारा गाड़ी का माल का पता चला है तो उड़ीसा जाएंगे, तो फिर पता चलेगा उड़ीसा से कहाँ का फिर माल है। तो वही अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं उड़ीसा, देखते हैं वहाँ से कहाँ का माल हम लोग को मिलता है, फिर लोड करके निकलेंगे। तो पहले पहुँचते हैं उड़ीसा, उसके बाद फिर आपको बताते हैं कहाँ का माल है हमारा। तो अभी यहाँ से काटेंगे अभी अपना आगे का सफ़र, ये चांडिल और हाट घमरिया के बीच का जंगल इसको पार करके जाएंगे, फिर आगे आएगा उड़ीसा और जाना है अभी हम लोग को 50-60 किलोमीटर और जाना है, फिर आ जाएगा उड़ीसा। फाइनली अभी हम लोग लोडिंग करने का जाने का पहले सोचे थोड़ा जा करके फटाफट से नहा लेते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, तो अभी हम लोग तो यहाँ ढाबा का पीछे आ चुके हैं, देखिए इसी यही पानी है हम लोग का, तो इसी जगह पे अभी हम लोग को नहाना है। तो वही फटाफट से नहाते धोते फ्रेश होते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं। तो अभी सुबह का ब्रेकफास्ट भी नहीं हुआ, तो फिर ब्रेकफास्ट भी करेंगे यहीं जा करके। तो पहले नहा धो लेते हैं, साफ़ सुथरा हो लेते हैं, बहुत गंदे है। फाइनली नहा धो के फ्रेश हो चुके हैं देख सकते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं सुबह का ब्रेकफास्ट और लंच करने के लिए। तो देख सकते हैं मेरे पीछे ढाबा, तो यही रवि ढाबा है, तो यहीं पे जा रहे हैं अभी फटाफट से जाते हैं, देखते हैं आज का हमारा लंच क्या होता है। ये हमारा आ गया ब्रेकफास्ट और लंच एक साथ, तो देख सकते हैं हमारा आज का ब्रेकफास्ट लंच हो रहा है रोटी तड़का और प्याज। तो फटाफट से अपना सुबह का ये ब्रेकफास्ट और लंच करते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं। चलिए दोस्तों, तो देख सकते हैं अभी हम लोग आ चुके हैं मुर्गा महादेव जी का मंदिर। तो देख सकते हैं ये रहा मुर्गा महादेव देव जी का मंदिर का एंट्री गेट जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए ये सामने जो रहा मुर्गा महादेव जी का गेट हुआ यहाँ। चलिए दोस्तों, तो फाइनली हम लोग जगन्नाथपुर में जहाँ होटल था रवि ढाबा करके, वहाँ से सुबह का ब्रेकफास्ट और लंच दोनों एक साथ कर ही लिए थे। और तो अभी तो हम लोग वापस आ गए उड़ीसा, तो नो एंट्री खुला था 2 बजे, तो वही नो एंट्री पार करके अभी 2 बजे तक में आ गए उड़ीसा। तो अभी तो हम लोग यहाँ लोडिंग प्लांट के अंदर पहुँच चुके हैं उड़ीसा का, देख सकते हैं पानी भी गिर रहा है और देखिए वो सामने जगह में लोड हो रहा है गाड़ी, वो देखिए तो उसी जगह पे गाड़ी वहाँ सबका लोड हो रहा है। और तो चलिए हमारा भी गाड़ी अभी वहीं से लोड होकर आ गया है। तो लास्ट टाइम दोस्तों तो हम वीडियो नहीं बना पाए थे क्योंकि उस सामने में देख सकते हैं अभी दिखेगा नहीं, पर देखिए सामने कितना सारा कीचड़ है, तो वही सब कीचड़ में मेरा हम लोग का गाड़ी फंस गया था, तो बहुत मेहनत लगा था निकालने में। तो चलिए, तो अभी गया है पापा, वही कागज़ पत्र का तैयारी हो रहा है, पेपर वर्क हो रहा है, अभी गाड़ी का जो माल लोड हुआ उसी का, तो फटाफट से पेपर वर्क हो जाता है, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से अब निकलेंगे वापस जहाँ पे गए थे रात में, गए थे माल खाली करने के लिए उसी जगह पे फिर से जाना है। सिन्नी का माल लोड है दोस्तों, सिन्नी का, तो बस अब इंतज़ार कर सकते हैं कब तक पेपर आएगा। पेपर आ कर के भी कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि 8 ही बजे हम लोग का एंट्री खुलेगा, तो अब 8 बजे एंट्री खुलेगा, उसके बाद ही फिर हम लोग यहाँ से बढ़ पाएंगे आगे। तो बस देखते हैं कब तक बढ़ते और पहुंचते हम लोग प्लांट पास। अभी हम लोग का रात में तो निकल चुके थे, रात ही में अपना ढाबा में जा कर के खाना पीना हो गया था, तो वो हम शूट कर नहीं पाए क्योंकि बहुत पानी हो रहा था और हड़बड़ी भी था हम लोग को, ये न्यू एंट्री पा ये मतलब कि कहीं मतलब वहाँ से निकलना बहुत जल्दी क्योंकि बीच में थोड़ा जंगल आता है इसलिए। तो वही जंगल पार उड़ करके अभी हम लोग आ चुके हैं हाट घमरिया में। तो अभी देखिए हाट घमरिया में अभी फिर अभी आगे पूरा जाम लगा हुआ है, बारिश हो रहा है और थोड़ा आगे जाम लगा हुआ है,
जाम भी बोलेंगे, यहाँ आगे एंट्री भी लगा हुआ है, तो अभी ये जाम भी खुलेगा और यहाँ का भी समय कुछ अलग है, यहाँ भी अगर खुलता है तो फिर हम लोग यहाँ से चाईबासा जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद दोस्तों। और जो भी इस चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे चाहे नहीं है तो प्लीज़ जा करके सब्सक्राइब कर लेना मेरे इस हाईवे ब्लॉग्स को। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।